बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान के गढ़ मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर सुबह से ही मतदान जारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कांग्रेस नेता कमलनाथ और कई दिग्गजों ने किया मतदान। कई जगह ईवीएम खराब, विरोध में सड़कों पर उतरी कांग्रेस। पूर्वोत्तरी राज्य मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों पर सुबह से ही मतदान जारी। सुबह 9 बजे तक हुआ 15% मतदान। राज्य के 7 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे 209 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। राज्य में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए चुनाव आयोग ने 1164 मतदान केंद्र बनाए हैं और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदान के नतीजे 11 दिसंबर को आएंगे। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़। मुठभेड़ में सेना ने ढेर किए 2 आतंकी। सेना के 3 जवान भी इस मुठभेड़ में घायल हो गए हैं। पाकिस्तान में आज प्रधानमंत्री इमरान खान रखेंगे करतारपुर साहिब कॉरिडोर की बुनियाद। प्रधानमंत्री इमरान खान दोपहर में इसकी नींव रखेंगे। भारत सरकार की ओर से 2 मंत्री इस समारोह में शामिल होंगे, जिनमें केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल और हरदीप पुरी शामिल हैं। बता दें कि क्रिकेटर से राजनीति में आए नवजोत सिंह सिद्धू पहले ही पाकिस्तान जा चुके हैं। राजस्थान की एक चुनावी सभा के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विवादित बयान आया सामने। राजस्थान के अलवर में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बजरंगबली दलित थे। बजरंगबली के नाम पर वोट मांगते हुए उन्होंने कहा कि राम भक्त बीजेपी को वोट दें और रावण भक्त कांग्रेस को वोट दें। निखिल कुमार, पंजाब केसरी, दिल्ली।